तो आज मैं सवाल करने वाला हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्ड को। बट मेरे कुछ गोल है जैसे कि डायमंड आर्मर बनाना और एक सुंदर सा बेस बनाना, कुछ फार्म्स बिल्ड करना और एंड ड्रैगन को डिफीट करना। क्या मैं कर पाऊंगा? जाने के लिए बना डे वन मैं स्पॉन होते ही सबसे पहले वुड्स काटने लग गया, और ये मैं अकसिया कौन सी और उसके बाद टूल्स बनाकर चला गया एक्सप्लोर करने को। मुझे कुछ एनिमल्स दिखे जिसको मैंने मार कर कुछ फूड्स कलेक्ट कर लिया, और मुझे बहुत सारा आयरन दिखा। तो आयरन माइन करने के लिए सबसे पहले स्टोन के टूल्स होना ज़रूरी है, तो मैंने स्टोन के टूल्स बनाकर सारे आयरन माइन कर लिया। और मैं से नीचे जा रहा था और उधर मुझे क्रीपर दिख गया, और क्रीपर से बचाते बचाते मुझे एक जगह दिख गई जहाँ पर न्यूरिन पोर्टल था। न्यूरिन पोर्टल मुझे चेस्ट में आप देखने से पहले मुझे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल चुका है। गाइस सीरियसली मुझे इंचेंटेड गोल्डन मिल चुका है इस वक्त में। सीरियसली गाइस मुझे एक गोल्डन इंचेंटेड एप्पल मिल चुका है। ये बहुत रेयर होता है और ये भी न्यूरिन पोर्टल के अंदर। न्यूरिन पोर्टल बोलते क्या बोलते मुझे पता नहीं। और मुझे एक विलेज होने में भाई साहब मेरी हालत टाइट हो गई। उससे पहले इधर दो गोल्ड के ब्लॉक दिख रहे हैं, चलो आयरन स्मेल्ट कर लिया और ये केक्स बनाकर चलो इसको माइन करते हैं। देखो पहले सबसे पहले इस ये नीचे वाले गोल्ड के ब्लॉक को तोड़ते हैं। बट यार इसको मैंने स्टोन के पिकेक्स से तोड़ दिया, और चलो इसको आयरन के पिकेक्स से तोड़ते हैं। या गाइस आपको मिल चुका है गोल्ड का ब्लॉक, और इसको माइन करने के बाद मुझे एक विलेज सुनने को। सही में गाइस बहुत टाइम लग चुका था, कह नहीं सकता मैं कैसे रातों को बिताया, पर ये विलेज मिल चुका है। इसके ब्लैक स्मिथ की लूट चेक करते हैं क्या मिली है। तो पहले चलो गाइस मारते हैं छान। भाई साहब तीन क्या बोलते हैं डायमंड्स मिल चुके, और मैंने यहाँ से हेवल्स कलेक्ट कर लिया, और सारे हेवल्स कलेक्ट करते विलेज को लूटते गाइस। तो विलेज को लूटने के बाद मैंने यहाँ अपना बेस बनाया, और अभी अपना वक्त आ चुका है एक घर बनाने का। उससे पहले कुछ एनिमल्स मार लेते हैं, उससे फूड्स कलेक्ट कर लेते हैं, और चलो अपने घर का बनाने का सारा सामान कलेक्ट करते हैं। बट या गाइस अपने बस फूड की कमी बहुत हो रही है, चलो फूड को कुक करने के लिए रख देते हैं। मैंने बहुत सारे एनिमल्स को मारा और विलेज को लूट के मुझे क्या बोलते हैं इसका नाम पॉक कुछ मेरे को नहीं पता। चलो अपन चलते हैं वुड्स काटने के लिए। बट इसको सबसे पहले मैं सिक्योर कर लेता हूँ अपने सारे सामान को, और एग्स लेके चलो चलते हैं। मुझे गाइस बहुत सारा वुड्स चाहिए क्योंकि मुझे कुछ फार्म्स भी बिल्ड करने हैं। सबसे पहले इसको मारते हैं, यार मर गया। चलो काटते हैं वुड्स सबसे पहले। अब मेरे को इधर एक जंगल दिखा था जहाँ पर डार्क ओक क्या बोलते यहाँ पर स्लैपलिंग्स भी है। अपने पास इनर वुड्स आ चुके हैं, और अब अपना बेस बनाने का वक्त भी आ चुका है। सबसे पहले मैं सारा सामान यहाँ पर रख देता हूँ, और अब वक्त है अपना बेस बनाने का। रुकूगा इसमें पास आर्मर भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, अपने बहुत सारा आयरन भी माइन कर लिया था, पास आपको बहुत सारा सामान मिल चुका था। चलो घर बनाते हैं।
घर बनाने के बीच में मुझे ये क्या बोलते हैं रेयरेस्ट पिंक शिप मिल चुके हैं। माँ बेटी बेटी बहुत मुश्किल से मिलती है, और चलो इसको कैद कर लेते हैं। या गाइस अपना हो चुका है बेस रेडी, चल इसको टूर दे देता हूँ। सबसे पहले ये अपना बेडरूम, और इसके ऊपर है कुछ भी नहीं खाली है, और यहाँ पर भी कुछ फर्नेस और ये, और इसके नीचे जाने के बाद कुछ भी नहीं है गाइस, हमको बहुत खाली खाली घर है। और ये अपना स्टोरेज रूम, यहाँ पर मैंने कुछ सामान रखे है जैसे कि फूड्स का सिक, मतलब अलग अलग के हर एक सामान के अलग अलग जगह, यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स। और अब वक्त आ चुका है और अपना डायमंड का आर्मर बनाने का। सबसे पहले ये देखो मेरे को एक इंचेंट गोल्डन यहाँ पर मिला था, और माइनिंग के लिए अपन कहाँ पर जाए, जहाँ पर अपन गए थे वहाँ पर ही जाते क्या। तो डे 14 से लेकर डे 23 तक मैंने बहुत करीब माइनिंग की थी। पूरा झुंड मिल चुका है यार डायमंड्स का, उसको फॉर्चून से माइन करेंगे। मैंने साइड साइड का सारा माइन कर लिया, देखो यार इतना मस्त दिखती। डायमंड्स के साथ मैं आ चुका अपने बेस पर आर्मर बनाने के लिए डायमंड वाला। तो चलो यार ये अब मेरा प्लेयर इतना स्लो क्यों चल रहा है समझ में आ रहा, फूड भी बराबर है बट यार इतना स्लो क्यों चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो आपको पहले सबसे पहले वुड्स की ज़रूरत है, सबसे पहले अपना सारा सामान यहाँ पर रख देते हैं, और रख चुका है। और ये हो चुका है डे 23, और अभी चलो अपना आर्मर बनाते हैं। सबसे पहले अपन बनाए गए ये अपना आर्मर बन चुका है, टूल भी बन चुके, और ये पिक कर लिए है। और अभी वक्त है, क्या वक्त है क्या पता, चलो देखते हैं आगे क्या होता है आगे वक्त है। हाँ पहले मैंने जितना भी शुगर किंग रखा था उसको सारे कट कर लेते हैं। और मैंने बहुत दिनों तक एनिमल्स को हत्या की, ट्रेडर्स की हत्या की, और धूम के लामा की भी हत्या कर दी गाइस। बहुत टाइम लगा ये सब कलेक्ट करने के लिए। मैंने हद से ज़्यादा लेदर कलेक्ट कर लिया, और अब अपना वक्त आ चुका है इंचेंटेड रूम बनाने का, क्या बोलते हैं इंचेंटमेंट रूम बनाने का। सबसे पहले फूड यार ये सब मार रहा था ना, सारे फूड्स कलेक्ट हो गए। और गाइस ये सब वीडियो बनाने ना बहुत टाइम लगते, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगती थोड़ी सी भी प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं कर तो आपको डीमोटिवेट होता है, एक सब्सक्राइब कर देना खाली आपसे। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक वीडियो को एक लाइक मार देना। और चलो अपन वीडियो इसको बनाते हैं इंचेंटमेंट रूम को। सबसे पहले यहाँ पर रख के कुछ हो गया अपना रूम रेडी, रुको यार गलती से लग गए। चलो बन चुका है, कैसा तो बन गया अपना 30 लेवल का HP। अभी करते हैं इसको, बहुत टाइम लगा यार इसमें भी, मेरे को बहुत दिन लगे बहुत यार। इंचेंटमेंट करके ठीक ठाक इंचेंटमेंट मिल चुकी थी मेरे को। ठीक ठाक इंचेंटमेंट मिलने के बाद मैं आ चुका था यहाँ पर फोर्ट्रेस पर। यहाँ मैंने पहले भी फोर्ट्रेस को देखा था, आपको बता नहीं पाया। चलो इसको पोशन पी के मैंने क्या बोलते पिगली से ट्रेडिंग किया था, मुझे क्या बोलते इसको मिल गया बाद में। इसको मैंने ब्रूइंग स्ट्राइंग से, चलो पहले हम उसको मार देते हैं। कितने मैंने, मुझे मज़ा आ रहा था मारने को। प्लेस रहा उसके बाद मैं जा रहा था, मुझे एक बैशन मिला, इसके सारे लूट्स देखे। और मुझे एक और एक मुझे अलग से एक बैशन मिल चुका था ब्लैक स्टोन बैशन, तो उसकी लूट्स देखते हैं। चलो गाइस नया बैशन देखो, यही है अपना बैशन, मैं पूरा कवर कर दिया उसको। चलो देखते हैं लूट। और यहाँ पर गोल्ड का है या क्या बोलते हैं यार इसका नाम, सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिया मैंने।
माय गॉड, मुझे मिल चुका था एक इंचांटेड गोल्डन एप्पल। उसी के साथ अपने बेस पर आ गया। देखो इतनी सारी लूट मिल चुकी है। उसके बाद मैंने मुझे कुछ नेदराइट के स्क्रैप मिल गए। उसे की इंगड़ बनाकर उसको अपने चेस्ट प्लेट पर, मतलब स्वॉर्ड पर लगा लिया और एक चेस्ट प्लेट पर लगा लिया। तो लगा लेते हैं और अब अपन बन चुके हैं बहुत अनबीटेबल। बीटेबल नहीं, मर सकते अपन कभी भी। तो भी एंडर ड्रैगन को मारने का वक्त आ चुका है गाइस। सबसे पहले अपन एक फार्म बनाते हैं, शुगर केन फार्म। सिंपली आप देखो मैं कैसे कैसे बनाता हूँ उसको। मैंने 4 फ्लोर तक बनाया था। गाइस देखो ये शुगर केन फार्म बहुत ही ओपी तरीके से काम कर रहा है यार। चलो अब अपना एंडरमैन को मारते हैं, मारने को चलते हैं। आने के बाद मैं अपने घर पर ब्लेज पाउडर से सबसे पहले अपने कैरेट्स को फार्म हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद रख देते हैं उसको अपन फिर से। और अब वक्त आ चुका है ब्लेज पाउडर बनाने का। यार मैं कैसा रेसिपी कर रहा था। चलो ब्लेज पाउडर बन चुका है। कुछ आई ऑफेंडर थोड़ा सा और चाहिए, बस हो गए हैं सारे के सारे। और अभी बाकी सब यहाँ पर रख देते हैं। और चलो मैंने ना उसको क्या बोलते हैं क्रिस्टप होने का रिकॉर्ड नहीं किया, सॉरी गाइस। मैं कोई वो भी मिली। और देखो ये विलेज के नीचे जा रहा है। और ये मैंने माइनिंग किया और बहुत ही जल्दी मिल चुका है मुझे गाइस। देखो इधर से मैं इधर गया और ये क्या है गाइस। उसके बाद मुझे एक चेस्ट मिली और उसमें पीछे मुड़ा तो मुझे एक पोर्टल मिल चुका है गाइस। सीरियसली मुझे मिल चुका है ये सारे। ये सब क्या है गाइस। पोर्टल को बाद में मैंने सबसे पहले इस चूहे का मैंने स्पॉनर तोड़ा। स्पॉनर होने के बाद मैंने यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर दिया। तो एक्टिवेट कर देते हैं इसको अपन सबसे पहले। रुको उसको क्राउच चौक एक्टिवेट नहीं करना। लावा मैंने डूबने का, यहाँ पर ऑलरेडी 2 थे। चलो कूदते हैं और आ चुके हैं एंड वर्ल्ड में। और सबसे पहले मैंने क्रिस्टल तोड़ा है। देखो मैं कैसे तोड़ता हूँ एंडर ड्रैगन की फाइट। यहाँ पर अंडर ड्रैगन हो चुका था ख़त्म। मैंने सारे एक्सपी कलेक्ट कर उसका अंडा भी कलेक्ट कर लिया गाइस। उसके बाद मैंने गेटवे पोर्टल से चला गया अपने क्या बोलते हैं उसको मेरे को नहीं पता गाइस। उसके बाद मैंने बहुत दूर तक दूर बाद मुझे एक छोटी सी एंडशिप मिली। मुझे यहाँ पर से बाद में एक बड़ी एंडशिप मिली जहाँ से मैंने एलेक्ट्रा पहले पोर्शन ऑफ हीलिंग क्या बोलते हैं उसको हेल्थ रजिस्टेंट हेल्थ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं गाइस। उसके बाद मैंने ये क्या बोला लल्ले 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 लल्ले
लल्ले शलकर को मारा, उसके बाद मैंने यहाँ से लाइट्रा लूटा, उससे पहले चेस्ट में मुझे ये डायमंड हेलमेट और ये मिला, उसके बाद कुछ गोल्ड्स मिले, उसके बाद मैंने यहाँ पर का चेस्ट खोला था, यहाँ पर अच्छा खासा लूट था, डायमंड के आर्मर थे और यहाँ पर एक डायमंड का चेस्ट प्लेट था और एक बकेट, मेरा ही बकेट था गाइस ये। उसके बाद मैंने यहाँ से लाइट्रा लूट ले लिया, फिर लाइट्रा कलेक्ट किया, मैंने सोचा मेरे पास आया ही नहीं, पर मैंने ध्यान से देखा तो यार मेरे पास एक रोटम फ्लैश है, मैं उसको फेंका नहीं, डर्ट को फेंक दिया और उसको मैं फिर से आया तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर इलाइट्रा गिरा था, तो इलाइट्रा को लेने के लिए सबसे पहले मैंने डर्ट को फेंका, फिर से इलाइट्रा आ चुका है गाइस। इलाइट्रा से मैंने एक बार उड़ने की मतलब उड़ने की कोशिश किया, देखो गाइस कितना अच्छा भाई, मुझे गेटवे पोर्टल ढूंढने में बहुत बहुत दिन लग गए गाइस यार, मुझे बहुत एक भी एंशिएंट नहीं मिली, उसके बाद मैं आ चुका था, देखो गाइस कितना मस्त दिख रहा है, पर भी आपको बहुत टाइम लग गया यार गेटवे पोर्टल ढूंढने के लिए, तो मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक कर देना। उसके बाद मुझे इतनी सारी लूट मिली थी, उसके बाद मैंने एक सिल्क टच के आयरन के पिकेक से तोड़ लिया और मैं यहाँ पर आया था, तो फिर मुझे ये घटिया सा विलेजर देखा, उसके बाद मैंने देखा तो फिर अपना फार्म बहुत ही ओपी तरीके से काम कर रहा था, मैं इतनी दूर था पर भी काम कर रहा था। उसके बाद मैंने मेरे पास कुछ गन पाउडर थे, उससे मैंने कुछ रॉकेट्स बनाया, रुको गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ गन पाउडर मैंने यहाँ से ले लिया, रुको इसको सही कर देते, चिकन का सोल्टा हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गन पाउडर ले लिया एंड देन शुगर किंग खोरा का सारे काम को सॉर्ट कर कर एक पेपर्स बनाया, थोड़े बहुत ने मतलब बहुत बनाया पेपर्स। उसके बाद मैंने रॉकेट्स बनाया, कुछ रॉकेट्स बनाकर मैं उड़ा, उड़ के अपने बेस को देखा तो बहुत ओपी दिख रहा था। इसके बाद आ चुका था एक और फार्म बिल्ड करने का, गोल्ड फार्म, इसके लिए मैं अपने चला गया अपने फिर से एंड वर्ल्ड में, ज़्यादातर दूर भी नहीं अपने देखे रह गए मेरे कोऑर्डिनेट्स, तो चलो चलते हैं उसको ढूंढने के लिए यार। सबसे पहले अभी चलते गए सब सीरियसली चुके अपने एंड वर्ल्ड में, चलो अपन चलते सारे सबसे बहुत ऑब्सीडियंस चाहिए गाइस अपन को। के बाद आ गए अपने घर पर और फिर से मैंने शायद से रॉकेट यूज़ किया, मुझे खुद को नहीं पता। उसके बाद देखो यह सब सामान चाहिए, ये फार्म बिल्ड करने का बहुत इजी फार्म है, बट टेक्निकली ये बहुत मतलब एपिक फार्म है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। उसके बाद मैंने देखा अपना फार्म कहाँ पर बिल्ड करे, मुझे एक अच्छी सी जगह मिल गई, आप कहाँ पर भी बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर चेस्ट रखे कुछ इस तरह से, चेस्ट के ऊपर ये फार्म बिल्ड करने का पूरा टाइम लैप्स देखिए। फार्म हो चुका है बिल्ड और अभी चलो इसको ऑन कर देते हैं और देखो ये कुछ इस तरह से काम करता है। आपको पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो जो कमेंट बॉक्स में क्या बोलते कमेंट कीजिए, चाहिए मुझे फार्म। और चलो अपना देखते हैं फार्म कैसे ओपी कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत देर तक यफ खेता मतलब कुछ 5-6 दिन, देखो भाई सीरियसली यहाँ पर एक भी स्वॉट कलेक्ट नहीं होता है, बहुत अच्छे तरह से काम करता है। उसके बाद अपने हो चुके हैं 100 डेज गाइस, अपन सवार कर चुके हैं 100 डेज और आपके सारे गोल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले बेड़े में अपने खाली एक विदर को नहीं मारे थे और यहाँ पर अपने गोल्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये वीडियो बनाने के लिए सीरियसली गाइस बहुत मेहनत लगी, एक लाइक कर देना यार प्लीज़ यार, चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।